सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो ने मात्रात्मक त्रुटि की वजह से जाति प्रमाण पत्र से वंचित लोगों को जाति प्रमाण पत्र और अन्य योजनाओं का लाभ देने का मामला सदन में उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रयास करेगी। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार इस मामले में संवेदनशील है। राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार से पत्राचार कर रही है। मैंने उस बच्चे को पूछा कि स्कूल जथस की नहीं, तो उसका जवाब ये था अध्यक्ष महोदय कि हमार तो जाति प्रमाण पत्र बनेच नहीं, तो मैं स्कूल जाके का करूँ। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैंने आदिम जाति विकास मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि सरगुजा संभाग में माझी समाज के जाति प्रमाण पत्र में मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनकी जाति नहीं बन पा रही है, तो क्या इसमें किसी प्रकार का गाइडलाइंस जारी किया गया है या इसको किसी विभाग में भेजा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को इस संबंध में पत्र भेजने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये कार्रवाई जल्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस समाज के बारे में मैं उल्लेख कर रहा हूँ इनकी परिस्थिति अति दयनीय है, और इसका फ़ायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व लोग, जैसे उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से वो जमीन अपना विक्रय करते हैं, तो उनकी साक्षरता उस हिसाब से नहीं होने के कारण से यदि एक एकड़ ज़मीन वो बेच रहा है तो उसके आगे शून्य लगाकर उसकी पूरी की पूरी ज़मीन हथियाने का काम, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने का काम तक किया जा रहा है, और ये निरंतर इस जाति प्रमाण पत्र के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए अति गंभीर विषय है। इसको जल्दी से इस त्रुटि को सुधारने के लिए प्रक्रिया किया जाए। और एक सवाल जो कि मैं जनसंपर्क के दौरान एक 10 साल के बच्चे ने हमसे किया था, मैं उस सवाल को सदन के सामने रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि मंत्री जी भी इस सवाल पर गौर करें। मैंने उस बच्चे को पूछा कि स्कूल जथस की नहीं, तो उसका जवाब ये था अध्यक्ष महोदय कि हमार तो जाति प्रमाण पत्र बनेच नहीं, तो मैं स्कूल जाके का करूँ। तो ये 10 साल के बच्चा जो कि एक समाज का एक नई पीढ़ी है, उसमें यदि ऐसी भावनाएं फैल रही है सिर्फ एक जाति प्रमाण पत्र कार्ड, जबकि जो सौता और सौता दोनों एक ही जाति के लोग हैं, सामाजिक परिस्थिति दोनों की खराब है, तो इसको जल्दी से सुधारा जाना चाहिए। और इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा वो 10 साल के बच्चे का मंत्री जी जवाब देंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र की सरकार ने आपके समय के प्रस्ताव के ऊपर में 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया, और केंद्र की सरकार इस मामले में संवेदनशील है, और हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार, उनके नेतृत्व में चलने वाली, ये भी संवेदनशील है। हमने सरकार में आते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, और जल्द ही इस संबंध में पूरा प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। और स्वाभाविक है, माननीय जो विधायक जी का दर्द है वो स्वाभाविक है कि एक मात्रात्मक गलती के कारण, क्योंकि अंग्रेजी में माझी है और हिंदी में मांझी है, और उसके कारण उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसको सुधार। चलिए ठीक, श्री प्रमोद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप बोलिए सर। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जातियां हैं माननीय मंत्री जी, जी कई जातियां हैं जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनको ना एसटी का ना एससी का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सभी जातियों के त्रुटियों को सुधार के लिए आपकी ओर से पहल किया जाए, एक प्रस्ताव भेजा जाए केंद्र सरकार को, ये मेरा आपसे निवेदन है। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जी की जो चिंता है वो हम सब की भी चिंता है, और आप क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तब प्रतिपक्ष जी को तो लिंग परिवर्तन में आपत्ति, विलोपित करवा दिए, बेचारा को बेचारी करवाया, सिर्फ लिंग परिवर्तन हुआ उसमें आपत्ति ले दिए। प्रमोद बीन जी, ठीक हो गया जवाब। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो नेता प्रतिपक्ष जी की चिंता, हम सबकी चिंता है, और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मात्रात्मक त्रुटि के कारण जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी लाभ मिले, और इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है, तो और इस काम को हम करेंगे। कोई सूची हो तो आप भिजवा दें। मैं बिल्कुल भिजवा दूंगा सर। बस ठीक। इसी सदन ने मेरी जाति को आदिवासी में सम्मिलित करने के लिए भेजा है, उसको भी देख लीजिए।